दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस थ्योरी वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ट्रिक से आपको बताएंगे कि इससे संबंधित अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आपको हल करना है। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इसको समझ गए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो को समझिएगा, इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं उसको भी हम बताएंगे, उसके बाद ही इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। सीटेट यूपीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया 1977 में और ये कनाडा के निवासी थे। अगर हम बात करें इनके प्रयोग की तो उन्होंने निर्जीव गुड़िया, बॉबी डॉल और जीवित जोकर पर इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जिस तरीके का वो देखेगा माहौल, उसी तरीके को वो अपने व्यवहार में वो अर्जित कर लेगा। इसी को यहाँ पे समझाया गया है सामाजिक अधिगम का अर्थ, मतलब दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना। जैसे आप देखते हैं कि सलमान खान ने कोई नया चश्मा लगाया है या कोई नई ड्रेस पहनी है तो आप उसी तरीके की क्या है अनुकरण करके सीख लेते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर उसके पापा शेविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बच्चा क्या है वो मशीन लेकर के वो भी अपना दाढ़ी अस्तूरा लगाने लगता है। ये होता है अनुकरण के द्वारा। यहाँ पे बच्चा कैसे सीख रहा है, अनुकरण के द्वारा देख करके सीख रहा है, अर्थात दूसरों के व्यवहार को देख करके सीख रहा है। समझ में आया कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में क्या निष्कर्ष इनके द्वारा निकाला गया। ये अपने सिद्धांत में मॉडल की बात करते हैं जिसको हिंदी में हम प्रतिमान कहते हैं। बात करते हैं इसके अन्य नाम क्या है, तो अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत कह सकते हैं क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके यहां से सीखता है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत इसी सिद्धांत के अन्य नाम है। चार स्टेप इन्होंने बताए हैं, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलोकन। इससे डिटेल से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस आप जान लीजिएगा कि पद कितने हैं, चार हैं। अब अवधान का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मॉडल ऐसा हो, ऐसा मॉडल आप बनाए जो कि इंटरेस्टिंग हो, आकर्षक हो, लोकप्रिय हो और अच्छा हो। धारण की बात करें, आप जो है व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण करते हैं। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है जिनको हम ध्यान से देख करके धारण करते हैं और बाद में आवश्यकता अनुसार हम उनका पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकें। पुनर्वलन क्या है, अगर आप अच्छा कोई काम करते हैं, कोई अगर आपको तारीफ करे, शाबाशी करे, एक्सीलेंट बोले, वाव बोले, तो आप क्या उस काम को दोबारा करेंगे, और अगर कोई नेगेटिव बोल दे तो आप उस काम को दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में कुछ भाग और बताए हैं कि इनका ये कहना था कि व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित करता है, स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन, स्वपुनर्बलन। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको डिटेल से नहीं बताएंगे। सामाजिक अधिगम का महत्व क्या है, इससे क्या होता है कि बुरे व्यवहार बच्चे के आसपास भटकने ना दें, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करें, यही इसका पासवर्ड है। अगर कहीं भी इसका प्रयोग मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वो बैंडूरा से ही संबंधित होगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, अल्बर्ट बैंडूरा निवासी थे, तो अल्बर्ट बैंडूरा कनाडा के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, अल्बर्ट बैंडूरा ने प्रयोग किया कुत्ते पर, गुड़िया पर, जोकर पर या फिर बी और सी दोनों पर। तो अल्बर्ट बैंडूरा का जो प्रयोग था वो गुड़िया पर और जोकर पर दोनों पर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जब सामाजिक अधिगम कहेगा तो आप अल्बर्ट बैंडूरा लगाएंगे, लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत कह दे तो आप क्या लगाएंगे, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, परस्पर सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, और बैंडूरा का यह मानना था कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, बैंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो चार चरण हमने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा, अल्बर्ट बैंडूरा ने अपना सिद्धांत कब दिया, तो 1994, 1977, 1897, 1920, तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1977 में। जिस माध्यम से बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे अल्बर्ट बैंडूरा ने क्या कहा, उत्पाद, मॉडल, स्कीमा, पुनर्बलन। तो अभी अभी हमने आपको पासवर्ड बताया, उसको उन्होंने मॉडल कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन पुस्तक किसकी है, जीन पियाजे, अरस्तु, अल्बर्ट बैंडूरा, कोहलबर्ग। तो ये पुस्तक है अल्बर्ट बैंडूरा की, ऑप्शन नंबर सी
सही होगा। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये प्रश्न ने इसलिए रखा है ताकि आप दोनों में अंतर को समझ पाए। इसका आंसर बैंडूरा नहीं होगा, इसका आंसर वायगोत्स्की होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है सांस्कृतिक संदर्भ और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे अनुकरण की बात, मॉडल की बात नहीं कही गई, सामाजिक सांस्कृतिक की बात लेव वायगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कही थी। तो यहाँ पे आंसर तीसरा विकल्प जाएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये भी प्रश्न इसीलिए रखा है ताकि आप अंतर को समझ पाए। ऑप्शन में यहाँ पे मॉडलिंग भी है, बट ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न किससे है? वायगोत्स्की से है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? स्कैफोल्डिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है सहयोग प्रदान करने की। तो अंतर को समझते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 सीटेट 2014 में पूछा गया कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मॉडलिंग की बात पहले ही ऑप्शन में लिखी हुई है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मॉडलिंग लिखा होगा, मॉडलिंग नहीं लिखा होगा तो प्रतिरूपण लिखा होगा, या हो सकता है दोनों लिखे हो, या अनुकरण की बात कही जा रही हो, बस ये इनका पासवर्ड ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जो हमने इस सिद्धांत के अन्य नाम बताए हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके पहले जीन पियाजे की थ्योरी हमने कराई है, उसका वीडियो का लिंक यहाँ पर बन के आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 में आपको कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे होमवर्क के लिए, क्वेश्चन ये है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।